अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा करें दोस्तों, आ गया Realme Note 50 आपके भाई के हाथ में। अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, कल होगा 22 फरवरी को लॉन्च, लेकिन आपके भाई के पास आ गया। आज आपका भाई इसका अनबॉक्स करेगा और आपको बताएगा कि Realme Note 50 किस तरह दिखता है। इसकी ख़ास बात ये बताऊँ, ये आ रहा है भाई 2 साल की वारंटी में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, आइए इसको अनबॉक्स करते हैं। हमारा नोट 50 अनबॉक्स होने जा रहा है, चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले निकलेगा एक ग्रे कलर का पाउच, साफ और शफाफ ग्रे कलर का पाउच निकलेगा, जो बहुत अच्छा कलर आपको टच करेगा, ठीक है। और एक निकलेगा 10 वोल्ट का वाइट कलर का इस तरह का चार्जर, चेक कर सकते हैं। और एक निकलेगी टाइप सी वाली केबल, बाकी और कुछ नहीं है बॉक्स में। ब्लैक कलर का मैंने अनबॉक्स किया है भाई, इसमें एक ब्लू आता है और एक ब्लैक आ रहा है। मैं आज आपके भाई ने ब्लैक कलर अनबॉक्स किया है नोट 50 रियलमी का, चेक कर सकते हैं। बैक लुक डबल पैटर्न आ रहा है भाई, नीचे बिल्कुल डिम कलर है, मैट कलर है, ऊपर भी मैट है लेकिन ऊपर शाइनिंग वाला मैट दिया हुआ है, और साइडों पर भी पूरा मैट दिया हुआ है डिफरेंट। ऊपर कुछ नहीं दिखता है, साइड माउंटेड फिंगर है। नीचे बात करेंगे तो लाउड स्पीकर है, टाइप सी वाला जैक मिलेगा, माइक मिलेगा और वही एन फ्री वाला जैक नीचे मिलेगा। इससे हम निकालते हैं जैक को। जैक तो भाई ये है ड्यूल सिम और मेमोरी कार्ड, तीनों एक साथ चीज़ लगेगी, चेक कर सकते हैं। ये अच्छी बात है कि रियलमी C51 की तरह पूरा लुक दे रहा है, जो 30,000 रुपये का आ रहा था, अभी इसके प्राइस कम हुए थे। इसको ऑन करते हैं और चेक करते हैं इसके डिस्प्ले में कितना दम है भाई। 23,500 रुपये में आप लोग के लिए ठीक है भी कि नहीं। जब तक मैं आपको इसके ज़रा से फीचर बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या खासियत है भाई। 4 GB रैम है, 4 GB एक्सटेंडिंग रैम है, 64 GB मेमोरी है। कैमरे के बारे में तो 13 MP इसका बैक कैमरा है, फ्रंट इसका 5 MP है, साइड माउंटेड फिंगर है, 5000 mAh बैटरी है। फाइनली दोस्तों हमारा मोबाइल ऑन हो चुका है, चेक कर सकते हो आप भाई। नॉच डिस्प्ले दिया हुआ है लेकिन गोलाई में दिया हुआ है, बिल्कुल तीर की तरह नॉच नहीं है, थोड़ी गोलाई वाला नॉच दिया हुआ है, और ऊपर ही दिया है कैमरा 5 MP का। और डिस्प्ले की बात करूँ तो 6.7 इंच का IPS डिस्प्ले यहाँ पर दिया हुआ है, और डिस्प्ले का अगर नॉट बैड बहुत सही है, जिस तरह Realme C51 के थे इसी तरह डिस्प्ले है इसी का। सिर्फ फ़र्क क्या है, वो 50 MP था, ये 13 MP है। और इसका फ्रंट कैमरे की बात करो तो फ्रंट पर कैमरा दिया 5 MP। फ्रंट कैमरा चेक करते हैं, इसका बैक कैमरा चेक करते हैं, फिर बताते हैं आपको इसका रिजल्ट की क्वालिटी। बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। नाइट है, सबसे पहले देखेंगे नाइट मोड दिया हुआ है, वीडियो क्वालिटी अच्छी लग रही है मेरे को, बेहतर लग रही है। फोटो है, पोर्ट्रेट है, मोर में जाएंगे, मोर में क्या है, मोर में टाइम लैप्स है, प्रो है, पानो है और QR कोड है, बाकी स्लोमो वगैरह नहीं है। फ्रंट कैमरे की बात करो, फ्रंट पे भी पोर्ट्रेट दिया हुआ है, और मैं एक तस्वीर खींच लेता हूँ किस तरह लग रहा है। एक तस्वीर मैंने ले ली है, ये चेक कर सकते हैं, तस्वीर बेहतर है, 5 MP के हिसाब से सही है, बेस्ट है। बैक कैमरे का रिजल्ट चेक किया, जूम चेक किया मैंने, ये चेक कर सकते हैं। तस्वीरें खींच के मैं जूम बता देता हूँ, बोतल की तस्वीर खींची और ये मैं जूम कर रहा हूँ। जूम करने के बाद आप चेक कर सकते हो पिक्सल सही आ रहा है। मुझे लगता है ये Realme C51 को शॉर्ट कर देगा और ये खुद भी शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट ऐसे होगा कि यार 4/64 में तकड़े लुक वाला निकाल दिया, 23,500 में, हो सकता है कुछ दिनों में ब्लैक में मिले। और ये कल लॉन्च होगा इंशाल्लाह 22 फरवरी को, और आपका भाई अभी से अपडेट दे रहा है, Realme C51 वाला ही बिल्कुल लुक आ रहा है, वो आपको मिलेगा तकरीबन 27,000 रुपये का, 28,000 रुपये का, और ये आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 23,500 में। तो इसलिए ये शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो भी 50 MP में इतना ख़ास कैमरा नहीं था, तो 13 MP भी ये नॉर्मल कैमरा है, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और ये मैट ज़्यादा उससे अच्छा है, वो थोड़ा शाइनिंग में था, ये मैट में है, ये फ़र्क भी है। बात करूँ यहाँ पर 60Hz का डिस्प्ले दिया हुआ है, ऑटो मोड के साथ दिया हुआ है, 6.7 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले, 60Hz का डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से अगर आपको फैमिली के हिसाब से सेट चाहिए और घर के हिसाब से चलाना है, तो भाई रियलमी पायदारी में भी अच्छा होता है, प्राइस के हिसाब से भी नॉर्मल है, लुक वाइज है, कम पैसों में अच्छा सेट है, इतना ज़्यादा अच्छा कैमरा नहीं चाहिए, नॉर्मल कैमरा चाहिए, तो भाई मेरे हिसाब से बेस्ट फ़ोन है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। शॉर्ट शॉर्ट बताने का मकसद ये है कि अभी शाम का टाइम है, ये अचानक मेरे पास आया तो मैंने कहा आप लोग से शेयर करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।